गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटी दूरियों को मापने की अप्रत्यक्ष विधि की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई दो तरह से दूरियों को मेजर करना है, एक बड़ी दूरियों को मेजर करना है, एक छोटी दूरियों को मेजर करना है। बड़ी दूरियों वाला मैंने वीडियो में कंसिडर कर लिया था, बात थी छोटी दूरियों की। और छोटी दूरियों के मापन में भी दो तरह की विधि की बात थी, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में मीटर स्केल था, वर्नियर कैलिपर्स था, स्क्रू गेज था, स्पैरोमीटर था। तो वो जो टॉपिक है हमारे, वो प्रैक्टिकल के टॉपिक है, इसलिए उनके लिए मैं अलग से प्रैक्टिकल का वीडियो बना हुआ। लेकिन जो दूसरा मेथड है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, अब हमें इस पर बात करनी है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, क्योंकि आप ऐसी छोटी दूरियों को मेजर करने की बात कर रहे हो जिसे आप आंख से देख नहीं सकते सही तरीके से। यानी 10 की एटम की साइज की आप बात कर रहे हैं, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो इसकी दो मेथड्स हैं यहां पर, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड, यानी आप इससे क्या चीज मेजर कर रही हो, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, इसका मतलब 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के ऑर्डर की जो डिस्टेंस होती है उनको मेजर करने की बात आप कर रहे हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर लेयर मेथड, ये भी लगभग वही 10 की पावर, यानी वो भी मॉलिक्यूल की साइज की बात की जा रही है, यानी एटम के साइज की बात की जा रही है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड। अवोगाड्रो की जो परिकल्पना है उसके हिसाब से हम इतनी छोटी दूरियों को कैसे मेजर करेंगे। तो इसको डायरेक्ट तो मेजर करते नहीं है कि स्केल ले गए और मेजर करके ले आए, बल्कि हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम ये बता देंगे भाई, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड से हम छोटी दूरियों यानी एटम के साइज, साइज ऑफ एटम यानी 10 की पावर माइनस के 10 मीटर की ऑर्डर की जो डिस्टेंस है उनको मेजर करते हैं। अब बात आती है कि भाई एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है क्या। एक्चुअल में एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो है, पहली बात तो यह है कि एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसको आप एन कहते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल, तो एक मोल में, या वन ग्राम मोल बोल देते हैं उसको, वन ग्राम मोल क्यों कह देते हैं, तो वन मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं एन, और जिसकी वैल्यू आपको पता होती है इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जरूरत पड़ने पर हम इस वैल्यू को इसकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमें एवोगाड्रो नंबर जो हाइपोथेसिस है उसको इसको समझना होगा कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कोई भी जो सब्सटेंस होता है, मान लीजिए आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, इसके अंदर कोई सब्सटेंस ले गए, सब्सटेंस जो है डेफिनेटली वो एटम्स है, और एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सब्सटेंस इसमें भरा हुआ, अगर उसको हम माइन्यूटली देख रहे हैं, हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख रहे हैं, तो वो एक तरह से इस तरह से भरा हुआ है, यानी स्फेरिकल शेप के एटम्स इसके अंदर भरे हुए हैं। ऐसे मान लीजिए आप कांच की जो बॉल्स होती हैं, ग्लास बॉल जिनको कहते हैं, कंचा कहते हैं जिनको खेलने वाले बच्चे, तो अगर उनको किसी बर्तन के अंदर रख दिया जाए तो फिर आप उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन उसमें तो जो गैप है बीच में साफ दिखेगा, पर किसी सब्सटेंस को अगर हम रखते हैं तो वो गैप उसमें साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन डेफिनेटली उनके बीच में क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। तो इस तरह से, तो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी में रखा हुआ है, अब सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं और एटमों का जो शेप है, जो साइज है, वो एक तरह से स्फेरिकल शेप में जब होंगे, तो जब उनको किसी में रखा जाएगा तो डेफिनेटली उनके बीच में जगह रह जाएगी। जैसा कि देखो आपको ये बीच वाली जो जगह ऐसी दिख रही है, ये जो इस तरह की जो जगह रहेंगी वो रह जाएंगी, बात समझ रहे ना। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम को वी मानूं,
पूरे सबस्टेंस का, सबस्टेंस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस, जो पदार्थ आपने लिया उस पदार्थ का आयतन है। ये बी जो है पदार्थ का आयतन, पदार्थ के पूरा जो लिया है सब्सटेंस उसका आयतन है ये। लेकिन उसका जो वास्तविक आयतन होगा वो कितना होगा, उसके अंदर जो अणुओं का आयतन होगा वो कितना होगा, क्योंकि बीच में खाली खाली जगह बच रही है भाई, इसका मतलब वो आयतन तो कंसीडर नहीं होगा ना। अणु के आयतन की बात करोगे तो, रियल में पदार्थ के आयतन की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो रियल में परमाणुओं का जो आयतन होता है वो उसके पूरे आयतन का 2/3 होता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस बात को ध्यान रखना है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अनुसार जो कुल आयतन है परमाणुओं का कुल आयतन जो टोटल वॉल्यूम होगा परमाणुओं का इक्वल टू होगा 2/3 इंटू वी, यानी इस पूरे आयतन का 2/3 होगा, उससे कुछ कम होगा। कम क्यों होगा वो अब आप समझ गए, क्योंकि जब हम बॉल्स को ऐसे भरेंगे, मान लो हमने किसी ये कंटेनर में बॉल भर दी है, तो डेफिनेटली उनके बीच में खाली जगह रह जाती है। अब पूरे आयतन को तो तुम उस बर्तन का आयतन ले रहे हो, वो तो पूरा आयतन हो गया, लेकिन उस मेटेरियल के जो एटम्स हैं उनका आयतन हुआ वो उससे कम होगा, तो वो आयतन होता है 2/3 वी। चलिए अब हम मानते हैं कि ये जो पदार्थ हमने लिया था इसका मास है, इसका द्रव्यमान है एम ग्राम, और चलो घनत्व भी मान लेते हैं, इसका घनत्व है रो, और घनत्व को यहां पर तुमको उसको सीजीएस सिस्टम में ही लेकर के चलना, एक तरह से ग्राम पर सेंटीमीटर की आप कह सकते हो, इसके यूनिट की बात कर सकती हो। तो ये जो पदार्थ हमने लिया, मान लो ये एम द्रव्यमान है, घनत्व इसका रो है, और वैसे उसका टोटल जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो वी है। अब हम ये कह रहे हैं एक्चुअल में हम निकालना क्या चाहते हैं, छोटी डिस्टेंस, और वास्तव में हम साइज निकालना चाह रहे हैं। किसका साइज निकालना चाह रहे हैं भाई, हम साइज निकालना चाह रहे हैं परमाणु का। हम परमाणु के आकार को एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड से हम परमाणु का आकार निकालना चाह रहे हैं, परमाणु का आकार हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रियल में। और परमाणु का आकार का मतलब होता है ये जो स्फीयर है ना, यानी इसकी रेडियस को निकालना चाह रहे हैं हम, इसकी त्रिज्या को निकालना चाह रहे हैं हम, इसकी रेडियस को निकालना चाह रहे हैं। अब इसकी त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक परमाणु का आयतन निकालना पड़ेगा, तो वो जाएगा 4/3 आती हूँ, और फिर हमें निकालनी पड़ेगी इसमें परमाणुओं की संख्या कि भाई इस पूरे में परमाणु की संख्या क्या होगी। हम ये जानते हैं कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है कैपिटल एन, जिसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको ध्यान हो तो इस पर हमने एक बार और 12th क्लास का एक वीडियो बनाया जिसमें निकालने के लिए बताया था, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ग्राम में उसका जो मास है बल्कि उसका मोलर मास, यानी ये जो सब्सटेंस लिया है इसका जो मोलर मास है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मोलर मास जो है, मोलर द्रव्यमान जो है उसका, उसको आप कैपिटल एम मान करके चलाएं। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ग्राम में बाहर बटे उसका मोलर मास, तो स्मॉल एम अपॉन एम। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इतनी, तो इतने मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसलिए इसमें कुल परमाणु कितने हो गए, कुल परमाणु हो गए आपके कुल परमाणु इक्वल टू ये तो नंबर ऑफ मोल्स एम अपॉन एम और इन टू कैपिटल एम, ये कुल परमाणुओं की संख्या है। अब एक परमाणु का आयतन निकालो, उसकी त्रिज्या को तुमने आर मान लिया है, तो एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, एक परमाणु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वन मोल वन एटम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, ये एक परमाणु का आयतन हो गया। और परमाणु कितने हमारे, ये तो कुल परमाणुओं का आयतन कितना हो गया, परमाणुओं का कुल आयतन परमाणुओं का जो कुल आयतन हो जाएगा भाई, एक परमाणु का इतना और परमाणु इतने, तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एम, ये परमाणुओं का कुल आयतन हो गया। लेकिन एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कह रही है,
एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कह रही है कि परमाणुओं का जो टोटल आयतन होता है वो उस पदार्थ के जो टोटल आयतन होगा उसका 2/3, क्योंकि बीच में जगह खाली रह जाता है, इसका मतलब उसका 2/3 वी होगा। तब आप क्या करोगे, फिर तब आप इसको इसके इक्वल रख दोगे, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू एम एन अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू 2/3 इंटू वी। और वी क्या है सर, इस पदार्थ का वॉल्यूम। अब उस वॉल्यूम में खाली जगह भी शामिल है ना। चलिए हम इस वी को निकालना चाहते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो इस पूरे पदार्थ का द्रव्यमान कितना था, मान लो एम मान रही हूं और ये आयतन है और घनत्व रो मान रही हूं, तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, या घनत्व का पढ़ लो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। भाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, और मुझे चाहिए यहां से मान लीजिए आयतन, तो v इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन रो। तो v की जगह पे मैं चाहूं तो m अपॉन रो लगा सकता हूं। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू एम कैपिटल n अपॉन कैपिटल m और 2/3 और स्मॉल m अपॉन रो, m से m कैंसिल, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, परमाणु का आकार यानी उसकी त्रिज्या की, आर निकालना चाहते हैं हम यहां से, तो बाकी सारी चीजों को उधर ले चलो, तो आर क्यू इज इक्वल टू एम नीचे है एम ऊपर चला जाएगा, इसमें 2π बचेगा, 2π नीचे आ जाएगा, एम ऊपर चला गया, ये 2π आ गया, एन भी आपका नीचे आ जाएगा, और एक आपका इधर रो तो पहले से ही है ही, ये रो हो गया, और चेक कर लो कुछ बचा तो नहीं है, देखिए 4π ये बच्चा 2 चला गया, पाई चला गया, आर क्यू यहां रह गया, एम ऊपर चला गया, एन नीचे चला गया, इधर ये सब कट गए, रो बच्चा ये आ गया। और वैल्यू किसकी निकालनी, आर की, तो आर की पावर 3 है, तो आर 3 पावर उधर जाएगी, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन 2π कैपिटल एन रो की होल पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला आप निकाल रहे, अब m जो सबस्टेंस लिया है उसका मोलर द्रव्यमान आपके पास होगा, मोलर मास आपके पास होगा, यानी m गिवन होगा, n एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू इतनी है ये आपकी गिवन होगी, जो पदार्थ लिया है उसकी डेंसिटी आपके पास होगी, आप उसको रख करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वास्तव में ये आपने किसी स्केल से मेजर नहीं किया, बल्कि आप इसको कैलकुलेशंस के मेथड से यानी इनडायरेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व करके ला रहे हो, और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो परमाणु का आकार जो होगा वो 10^-10 मीटर के ऑर्डर का निकल करके आ जाएगा। तो ये मेथड पहला मेथड है आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मेथड, क्लियर। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। तो मॉलिक्यूलर लेयर मेथड को समझने के एक्चुअल में ये जो दूसरा तरीका है, मॉलिक्यूलर लेयर मेथड वाला जो तरीका है, वास्तव में ये एक प्रैक्टिकली तरीका है, लेकिन उसको हम इजीली समझ सकते हैं, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पर जाकर के आप उस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, पर यहां उसको करना सीख लीजिए कि करना कैसे है, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बाकी काम आप प्रैक्टिकल में देख सकते हो, उसको कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, मॉलिक्यूलर लेयर मेथड की। देखिए मॉलिक्यूलर लेयर मेथड में क्या होता है कि हम पानी के ऊपर किसी भी दूसरे सब्सटेंस की लेयर बनाते हैं, और उस लेयर को इतना पतला बनाते हैं कि केवल एक एक मॉलिक्यूल ही उसके ऊपर रह जाए। अब ऐसा करने के लिए क्या करना होगा भाई, क्या चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है इससे भी, हालांकि इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज कंपैरेटिवली और मॉलिक्यूलों से थोड़ा बड़ा होता हो, 10^-9 मीटर के ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, 10^-9 मीटर के ऑर्डर का होता हो, जैसे ओलिक एसिड। ओलिक एसिड की बात करते हैं तो ओलिक एसिड का साइज वो थोड़ा सा, उसके एटम जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं औरों के कंपैरिजन में, उनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं 10^-9 मीटर। तो अब उसको निकाला कैसे जाता है ये हमें समझना होगा। इसे समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओलिक एसिड का 1 cc लेंगे, कितना लिया 1 cc ओलिक एसिड, और उसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, 20 cc
अल्कोहल के साथ। किसके साथ मिक्स कर दिया? 20 सीसी अल्कोहल के साथ। इसका मतलब इसकी मोलरिटी कितनी हो गई भाई? इसकी इसमें ओलिक एसिड की मोलरता कितनी हो गई? तो आप कह दोगे 1/20। ये इसकी मोलरिटी हो गई, इसकी कंसंट्रेशन हो गई, इसकी सांद्रता हो गई। अगर हम बात सांद्रता की करें तो अब इसकी जो सांद्रता हुई 1/20 हुई, 20 में 1। और थोड़ा सा अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का 1 सीसी हो तो 1 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का 1 सीसी लिया, उसको दोबारा से मिक्स कर दिया 20 सीसी अल्कोहल अल्कोहल के साथ। अब क्या हो गया कि अब उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यानी पहले 1/20 और फिर 1 सीसी को 20 के साथ, इसका मतलब हो गई 1/20 और फिर मल्टीप्लाई करें, यानी ये हो गई 1/400। ये कंसंट्रेशन हो गई, यानी अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, फाइनल सॉल्यूशन उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है, वो सांद्रता आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1/400 है। इतनी सांद्रता का सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब क्या करना है? अब देखिए मेन काम अब यहां से आता है। अब हम एक ट्रे लेंगे, ये हमारे पास कोई ट्रे है और ये ट्रे जो है वो पानी से पूरी तरह से टॉप तक भरी हुई है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, ये जो सॉल्यूशन आया है कौन सी सांद्रता वाला, 1/400 सांद्रता वाला जो सॉल्यूशन आया है, इसकी कुछ बूंदें इस पानी के ऊपर डालेंगे। बूंदे गिन के डालेंगे, मान लीजिए हमने n बूंदे डाली, कितनी बूंदे डाली? n बूंद किसकी? सॉल्यूशन की। और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1/400, यानी 1/400 कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन था उसकी n बूंद हमने इसके ऊपर डालती। ये ट्रे है, एक बर्तन टाइप का है और उस ट्रे में पानी भरा हुआ और उसके ऊपर बूंद डाल दी है। ओलिक एसिड और एल्कोहल जो है वो वाटर के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, उसकी एक लेयर बन जाएगी, यानी इसकी ऊपर क्या बन गई है? एक लेयर बन गई है, पूरे उसमें पूरी ट्रे के अंदर एक लेयर बन चुकी है, पतली पतली लेयर। फिर भी हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे और ग्लास रॉड के ऊपर वैक्स लगा करके उसको धीरे धीरे उसके ऊपर ऐसे करके बांध दीजिए, ये हमारी ट्रे है, और ग्लास रॉड पर वैक्स लगा करके उसको ऐसे करके थोड़ा सा, यानी जितना हम कर सकते हैं उस लेयर को फैला देंगे, पूरी ट्रे में फैल जानी चाहिए वो लेयर, कोई भी गैप बचना नहीं चाहिए वहां पर। तो वो जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी थिन हो जाएगी, उतनी पतली हो जाएगी लेयर। इसका मतलब डेफिनेटली अब वो एक एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में आ जाएगी, जो लेयर होगी वो केवल एक एक मॉलिक्यूल हो जाएगा वहां पर। अब क्या करना होगा? अब ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर लेकर के हम उसके एरिया को मेजर कर सकते हैं भाई, वो होगी हमारे पास ट्रेसिंग पेपर लगा करके उसके एरिया को मेजर कर लिया जाएगा, यानी ये जो ऊपर जो लेयर बन रही थी उस लेयर का क्या मेजर कर लेंगे? एरिया मेजर कर लेंगे, उस लेयर का एरिया निकाल देंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। किससे? ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर से हम उसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो वो एरिया निकल करके कितना आ जाता है? ए आ जाता है। देखिए यहां थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां हम बस अब ओलिक एसिड की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ी देर फिर रखा रहने देंगे तो क्या होगा, जो एल्कोहल है वो वेपोराइज होकर के उड़ जाएगा, केवल क्या बचेगा? केवल ओलिक एसिड बचेगा। इसका मतलब अब इसके पास जो लेयर बची है वो केवल ओलिक एसिड की लेयर बची है। वास्तव में उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, ओलिक एसिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, लेकिन वो वॉल्यूम क्या हो गया? वो फैल गया है पतले रूप में, एक लेयर के रूप में फैल गया है। अब अगर आप उस वॉल्यूम की बात करना चाहो तो क्या करोगे भाई? आप उसकी थिकनेस की बात करोगे कि उसकी थिकनेस कितनी है। मान लो ये थिकनेस है टी और एरिया कितना है ए, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना हो जाएगा इसके हिसाब से? तो इसके हिसाब से वॉल्यूम
ऑफ ओलिक एसिड हो जाएगा ए इंटू पी, यानी किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब एरिया में लंबाई चौड़ाई आ गई और हाइट उसकी थिकनेस क्या ना लिखी, तो एरिया इंटू थिकनेस। तो जो ओलिक एसिड की लेयर आई उसका एक तरह से वॉल्यूम हमने निकाल लिया, जिसमें से एरिया हमें पता है लेकिन थिकनेस हमें पता नहीं है। वास्तव में इस थिकनेस को ही कैलकुलेट करना है, इस टी को ही निकालना है, क्योंकि यही क्या है उसका साइज है। इस टी को कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं, ये वॉल्यूम है उसका। अब इसी वॉल्यूम को दूसरी तरह से देखते हैं कि भाई ये वॉल्यूम क्या है। हमने मान लिया जो बूंद डाली थी उनमें से एक बूंद का वॉल्यूम वी है, तो आपने मान लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, लेट द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू वी। जो बूंद हमने डाली थी उनमें एक बूंद का वॉल्यूम क्या माना, वी, और बूंद कितनी डाली थी, एन। इसका मतलब एन बूंदों का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इज इक्वल टू एन इंटू वी। एन बूंदों का वॉल्यूम हो गया इतना, लेकिन इन एन बूंदों के वॉल्यूम में तो दो चीजें शामिल है, क्या क्या शामिल है इसमें भाई, ओलिक एसिड प्लस एल्कोहल। क्या क्या शामिल है, ओलिक एसिड प्लस एल्कोहल, लेकिन वो एल्कोहल तो यहां से क्या हो चुका है, उड़ गया, वेपोराइजेशन होकर के वो एल्कोहल जा चुका है, तो केवल क्या बचा उसमें से, ओलिक एसिड बचा, तो एल्कोहल चला गया। इसका मतलब हमें वॉल्यूम बनाना है किसका, ओलिक एसिड का, तो देन द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1/400, ये कंसंट्रेशन है उसकी, तो जितनी कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब Nv/400, ये वॉल्यूम आ गया किसका, ओलिक एसिड का, जो ओलिक एसिड आपने यूज किया था, और उसी वॉल्यूम को ट्रेस पेपर से आपने निकाला तो वो ए इंटू टी आया। इसका मतलब आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, तो देन ए इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा Nv/400, और मुझे क्या चाहिए भाई, टी, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा Nv/400 ए डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से आपके पास n कितनी बूंदें आपने डाली वो आपके पास होगा, एक बूंद का वॉल्यूम आपके पास होगा, एरिया आपने यहां से टेस्ट पेपर से कैलकुलेट किया वो आपके पास होगा, आप यहां से थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है क्या निकालने का, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम निकालने का। तो इस तरह से ये दो विधि जिनको हम इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं, हालांकि देखिए ये वैसे नहीं पूछा जाता 11th लेवल पर आपको इसकी एक नॉलेज मिल रही है कि ऐसी छोटी दूरियों को जिसे आंख से देखना संभव नहीं है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।